मनुष्य को इन पांच परिस्थितियों में नहीं बोलना चाहिए। जब आपको लगे कोई आपकी भावनाओं को आपके शब्दों से नहीं समझ सकता, तो ऐसे में चुप हो जाना चाहिए। हम अपने दुख, अपनी समस्याओं को दूसरे लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, इस बात को समझे बिना कि लोगों को हमारे जीवन की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। मनुष्य स्वयं के जीवन में ही व्यस्त रहता है और वो स्वयं के जीवन के विषय में ही बात करना या सुनना पसंद करता है। एक या दो बार कोई आपकी समस्याओं को सुन भी ले तो भविष्य में वो मनुष्य आपसे दूर भागने लगेगा। दुखी इंसान के साथ कोई भी रहना नहीं चाहेगा। इसलिए अपनी समस्याओं या अपने दुखों को अपने निकट संबंधी या मित्र के सिवा किसी से ना बताएं। दूसरा, किसी विशेष मौके या घटना के बारे में यदि आपके पास पूरी जानकारी नहीं है या आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौकों पे भी चुप ही रहना चाहिए। पूरी जानकारी के ना होने या आधे अधूरे ज्ञान के साथ ही बोलने वाला व्यक्ति हंसी का पात्र बनता है। ऐसे इंसान को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से वो ही रख सकता है जिसे मौके या घटना के बारे में सटीक जानकारी हो। दुनिया भी ऐसे लोगों को सुनना पसंद करती है जिसे किसी विषय पे महारत हासिल हो। तीसरा, जब कोई इंसान आपके सामने किसी तीसरे इंसान की निंदा कर रहा हो, तब भी शांत रहना चाहिए। कभी भी किसी भी तरह के नकारात्मक संवाद से स्वयं को दूर रखें। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो इंसान आपके सामने किसी तीसरे इंसान की निंदा कर रहा है, वो इंसान आपकी भी निंदा किसी तीसरे इंसान से जरूर करेगा। आज यदि उसकी हाँ में हाँ मिलाया, तो कल उस तीसरे इंसान को यही इंसान बताएगा कि आपने उसके बारे में क्या क्या कहा था। इसलिए ऐसे समय पे चुप रहना और कुछ ना बोलना ही सर्वोत्तम है। चौथा, जब कोई आपका अपमान कर रहा हो, आप पे क्रोधित हो रहा हो या घृणा से बात कर रहा हो, ऐसे में आप चुप रह के सामने वाले के क्रोध को कम कर सकते हैं और स्थिति को नियंत्रण कर सकते हैं। आपका कुछ ना बोलना उस व्यक्ति को जल्दी शांत कर देता है और उसको अपनी गलती का एहसास भी दिलाता है। इस बात की भी प्रबल संभावना रहती है कि वो व्यक्ति अपनी इस गलती के लिए आपसे क्षमा मांगे, और क्षमा ना भी मांगे तो भविष्य में वो व्यक्ति आपके सामने ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। परंतु ध्यान रहे, ऐसा आपको सगे संबंधी या प्रिय मित्रों के साथ ही करना है, बाकी सब आपके चुप रहने को आपकी कमजोरी समझेंगे। पांचवा, जब कोई इंसान अपने जीवन की समस्याओं या दुखों को आपसे साझा कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में भी आपको चुप रहना चाहिए और शांति के साथ उसकी बात को सुनना चाहिए। ऐसे समय पे अधिकांश लोग पूरी बात सुने बिना ही समाधान देना शुरू कर देते हैं। ऐसे मौके पे मनुष्य अपनी चिंताओं, दुखों या किसी विशेष घटना को आपसे साझा करके शांति की अनुभूति करता है। आपसे बात करके वो मनुष्य अपना मन हल्का करता है। इसलिए हमें ऐसे मौकों पे उस इंसान को शांति से सुनना चाहिए बिना किसी सलाह मशवरा के, क्योंकि ये सब तो वो इंसान भी समझता है या जानता है। हमें उस समय उस मनुष्य की बात को ध्यान से और शांति से सुनना और उसे सांत्वना देनी होती है। ऐसा करने से आपके प्रति उस इंसान का सम्मान और स्नेह और बढ़ जाता है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग अधिक आकर्षित होते हैं।